दोस्तों माइकल कीटन एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने हमें डीसी की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट बैटमैन का रोल दिया था और होमकमिंग में मार्वल की तरफ से सबसे बेस्ट वल्चर दिया था, जो होमकमिंग का एक रिमार्केबल कैरेक्टर बन चुका है। मगर पता है कि हमें पहले माइकल कीटन एज ए वल्चर नहीं दिखने वाले थे, बल्कि पहले मार्क हैमिल ने इस रोल को निभाने का इच्छा दिखाया था और मार्वल स्टूडियो का पहला चॉइस था गैरी ओल्डमैन, जिसे हम लोग डार्क नाइट में कमिश्नर गॉर्डन के रूप में देखते आए हैं। मगर फाइनली कमिश्नर गॉर्डन को हटा के बैटमैन को लिया गया था, मतलब माइकल कीटन को, जो वल्चर के रोल में 4 चांद लगा दिए थे और बन गए हैं अभी तक के सबसे बेस्ट वल्चर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।